हेलो एवरीवन, आज एक ऐसी स्टडी आप जानने वाले हो, वो भी ऑप्शन सेलिंग की, जो कि 20,000 कैपिटल से हम लोग 68 लाख रुपीस का कैपिटल गेन कर सकते हैं। पूरा प्लान देने वाला हूँ कैसे करना है। अभी आप देख सकते हो, मैंने एक ट्रेड लिया तो सेम स्ट्रेटजी पर जो यूज कर रहा हूँ मैं, और अभी उसमें जो है 1400-1500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें कि 90% एक्यूरेसी होता है प्रॉफिट होने का। तो जैसे मैं आपको प्रॉफिट लॉक कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, सारा कुछ प्लान बताऊंगा। तो वीडियो तभी देखिएगा जब आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो बाद में देखिएगा। तो अभी मैंने ये प्रॉफिट लॉक कर लिया, जो प्रॉफिट अपना हुआ है 1460 रुपीज़ का हुआ है, 1460 रुपये का, और बहुत कम कैपिटल लगा के आराम से आप बना सकते हो, और 20,000 कैपिटल से भी पॉसिबल है ऑप्शन सेलिंग करना। तो मैंने आपको जैसे देखा 1460 रुपये का प्रॉफिट हुआ अपना, और ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो 1460 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे ऑर्डर बुक देख लो। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर बुक था। अब देखो कैसे होता है ये और क्या फॉलो करना होता है इसको प्रॉफिट बनाने के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं ऑप्शन सेलिंग होता क्या है। देखो ऑप्शन सेलिंग का बेसिक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, जिनको नहीं पता है, सिर्फ ऑप्शन बाइंग किए हुए हैं। देखो जब हमें मार्केट में हम बुलिश होते हैं, तो हम लोग ऑप्शन बाइंग में क्या करते हैं, कॉल को बाई करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग मार्केट में बियरिश होते हैं, मतलब मुझे हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट को बाई करते हैं। ठीक है, पुट को बाई करते हैं। सी का मतलब कॉल हो गया, पी का मतलब पुट हो गया। ठीक है, और सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जस्ट इसका रिवर्स कर दो गाइस। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, आपका समझ में आ जाएगा ऑप्शन सेलिंग होता है। ये ऑप्शन बाइंग का है, ठीक है, वो भी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आपको ये नॉर्मल सी जानकारी होती है, तब भी मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाए कि भाई कैसे होता है। और ये ऑप्शन सेलिंग हो गया OS, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग हो गया, और ये OB ऑप्शन बाइंग हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट करते हैं। यहाँ पे पुट, जब हमें लगता है भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, हमें यहाँ से लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट को बाई कर लेंगे। ठीक है, हम पुट को बाई कर लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल को सेल कर देंगे जब हमें लगता है मार्केट यहाँ से नीचे गिरे। जस्ट अपोजिट करना है, ऑप्शन सेलिंग में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें लगता है भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो कॉल बाई करते थे, तो उसके जगह हम लोग कॉल सेल कर देंगे। और हम लोगों को लगता है भाई जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन बाइंग में, पुट को बाई करते हैं। ठीक है, उसके जगह हम लोग क्या करेंगे, पुट को सेल कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है, अगर पुलिस है तो पुट को सेल करना है, अगर बीयरी से तो कॉल को सेल करना है। ये सिंपल सा ऑप्शन सेलिंग का फंडा है। ठीक है, ये आप समझ गए कि ऑर्डर वगैरह कैसे लगा सकते हैं हम लोग, बीयरी से तो पुलिस से, दोनों मैंने आपको बता दी। अब चलो कैसे करना है, वो स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम लोग बना सकते हैं मात्र 20,000 कैपिटल से, और हम लोग 68 लाख रुपये। ये पूरा प्लान दूंगा मैं आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके देखना कैसे मंथली वाइज आपकी अर्निंग होगी, 6,000, फिर 10,000, 13,000, 20,000, 26,000, ऐसे ऐसे आपकी मंथली अर्निंग हो। ऐसा भी नहीं कि जैकपॉट आप तुरंत आपका पैसा बन जाएगा, ये पूरा प्लान रहेगा आपको, प्रॉपर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एक का दिन डबल डबल का 4 गुना, ऐसा भी नहीं कर रहे हम लोग, बहुत मिनिमम प्रॉफिट के साथ कर रहे हैं। मात्र 1.5% का मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिया, अब तक चार्जेस वगैरह भी अगर हम काट देते हैं तब भी हम लोग आराम से बना सकते, सिर्फ 1.5% हम लोगों ने लिया कि भाई हमें 1.5% ही निकालना है एक दिन में, और हमें मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग करनी है, और हमें 1.6 ईयर्स में हमारा ये हो जाएगा, और कम भी टाइम में भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई ये ऑप्शन सेलिंग करते कैसे, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करने वाले, क्योंकि तो कैसे हम लोग आज के दिन ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना सकते थे, जो कि आज बैंक निफ्टी का स्पाई था, मात्र हमें 1.5% कमाना है, जो कि हम लोग आराम से बना सकते हैं, और 60 लाख 70 लाख तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस का एरिया है, जो कि 44,000 का ग्राउंड नंबर देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो हमें एक रीजन मिल गया ऑप्शन सेलिंग करने का। इसके देखो एक स्ट्रेटजी भी आपको बताई जाएगी कैसे करना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ आपको सब कुछ बताया जाएगा, जो कि ये प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पे रोज सुबह आपको मिल जाता है हमारा, 10-9 बजे तक आपको सारा कुछ मिल जाता है। जैसे मैंने बताता हूँ कि मैं कॉल साइड कर ले रहा हूँ, पुट साइड कर ले रहा हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेटीएम मनी में लिंक से अकाउंट बनाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको पूरा हेल्प चाहिए तो। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर आप स्क्रीनशॉट शेयर करना और नंबर शेयर करिएगा, आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, अगर आपको फ्री में पूरी हेल्प चाहिए तो, अदरवाइज आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ प्लान क्या होने वाला। तो यहाँ पे जैसे मैं हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, हमें तो इसके पहले पता नहीं था ये रिजेक्शन वाला एरिया, एक दो और ये तीन, तीन टाइम्स ले लिया, तो चौथी बार भी ले रहा है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग में, हम लोग यहाँ पे पुट को बाई करने का जगह कॉल को सेल करेंगे। कौन सा कॉल सेल कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे टाइम से सेलेक्ट कर लिया 10:43। अब 10:43 पे मार्केट का जो भी प्राइस था, स्ट्राइक प्राइस का, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, 44,000 का 75 रुपीज़ था, 4,400 का 42 रुपीज़ था, और 44,200 का 23 रुपीज़ था। तो हम लोग कोई भी सेल कर सकते हैं, यूजुअली हम लोग ATM को सेल करते हैं, और एक
बाई कर लेंगे। देखो ये वाला सेल करेंगे तो कितना पैसा यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 96,000 मार्जिन यहाँ पे मांग रहा है, और अपना प्रॉफिट यहाँ पे 1,100 रुपये का हो जाएगा अगर 44,000 के नीचे नीचे एक्सपायर हो जाता है तो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पैसा 0 हो जाएगा और अपने को यहाँ पे 1,124 रुपये का प्रॉफिट होगा एक लॉट में। 96,000 मांग रहा है, देखो यहाँ पे लॉस क्या है, अनलिमिटेड लॉस है। पर देखो अब इसको कैसे हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, यही वाला क्या करना है, एक अगला वाला स्ट्राइक प्राइस आपको जस्ट बाई कर लेना है। ठीक है, अगला वाला स्ट्राइक प्राइस बाई करने से क्या होगा, मार्जिन देखो सबसे पहले मार्जिन मात्र आ गया कितना, 16,000 रुपये में। ठीक है, सिर्फ आपको 16,000 रुपीज़ लगेगा यहाँ पे, सिंपल सा समझ में आया। और अपना प्रॉफिट कितना होगा, 481, यानी 3% का प्रॉफिट होगा। लॉस 1,000 रुपये का दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 1,000 का लॉस नहीं लेंगे, हम लोग 1:1 का ही लेंगे। ठीक है, 1,000 का अगर 500 का प्रॉफिट हो रहा है तो 500 का ही लॉस ले लेंगे, वो मैनेज कर सकते हैं हम लोग। पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक और एग्जाम्पल दूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा लॉस कम होगा। पर यहाँ पे देखो हमारा मैक्स लॉस हो गया, जो जो कि अनलिमिटेड होता है, वो अपना पैक हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर, 1,000 रुपये से ज़्यादा अपना लॉस ही नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और प्रॉफिट अपना 500 481 जो दिखा रहा है वो अपना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, मात्र 1.5% चाहिए, हमें 2% मान लो चाहिए, 1.5% भी मिल गया बहुत है। ठीक है, हमें आधा परसेंट मान लो चार्जेस वार्जेस कट गए, ठीक है, 1.5% का प्रॉफिट चाहिए मात्र, उतना मिल गया तो हम लोग बुक करके निकल जाएंगे, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर ये प्लान जो हमने प्लान बनाया। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहो, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने कर दिया यहाँ पे 1043 पे, अब अपना टारगेट यहाँ पे कितना आएगा, ब्रेक इवन इसका कितना है, 44,032, मतलब कि मार्केट अगर 44,032 तक जा के नीचे रह जाता है तो ये पूरा प्रीमियम 0 हो जाएगा, अपने को 481 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम दो दो लॉट में करने वाले हैं क्योंकि हम लोग 20,000 या 30,000 रुपये रखेंगे, पर मैं एक ही लॉट से दिखा रहा हूँ, आप एक लॉट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 रुपये का अंदर अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलो टाइम बढ़ाते हैं, यहाँ पे 15 मिनट के, अगर 15 मिनट बाद देखोगे तो यहाँ पे 70 रुपये का प्रॉफिट, 30 मिनट कर देता हूँ मैं यहाँ पे तो 192 रुपीज़ का प्रॉफिट। चलो यहाँ पे फिर 30 मिनट बढ़ाते हैं तो अपने को कितना हो रहा है, 324 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और बढ़ाते हैं टाइम देखते रहो कैसे टाइम बना है, यहाँ पे 289 रुपीज़ का प्रॉफिट, लॉस आपका 1 रुपये का भी अभी नहीं हो रहा है, सारे का सारे यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे सब आपको दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपका एनालिसिस सही है, अगर आप सबसे अच्छा कर लेते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, और ऑप्शन सेलिंग एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, और नंबर 3 आपको एक रेंज भी मिल जाता है कि अंदर मार्केट रहेगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, आपको लॉस नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे हमें एक ये रेंज मिला, एक ये रेंज, पूरा अपना रेंज है। ठीक है, ये पूरे रेंज के अंदर मार्केट कहीं भी रहे आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस 1 रुपये का भी नहीं होने वाला, समझ गए आप। 44,032 हमने सेल कहाँ पे किया है गाइस, हमने सेल किया है यहाँ पे, हमने सेल किया है यहाँ पे, ठीक है ये वाले लेवल पे, तो 44,032 यहाँ ही भी कहीं सेल किया है, और मार्केट यहाँ से मान लो नीचे गिरा, लास्ट में मार्केट कहीं भी जाए बस 32 के नीचे रह जाए, जैसे यहाँ पे था 43,993 के नीचे रह गया, तो अपने को ये प्रीमियम पूरा 0 हो गया। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ 44,000 का कॉल ऑप्शन, तो देखो ये 0 हो गया अपने, और अपने को वो वहाँ पे पूरा प्रॉफिट हो गया, कितने का, अब कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 481। चलो और बढ़ाते हैं इसका टाइमिंग, देखो देखो अभी 3:08 और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लास्ट तक पूरा ले जाते हैं इसको, 481 रुपीज़ का पूरा प्रॉफिट होगा लास्ट तक इसको ले जाओगे तो, 481 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया आपका, लॉस 1 भी रुपये का नहीं हुआ यहाँ पे देख लो, और हमारा हेज भी हो गया। तो कोई इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपका मैक्सिमम लॉस जो है फिक्स हो जा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी फिक्स हो जा रहा है, जस्ट आपको चिल मार के देखना है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका अगेंस्ट में जाएगा तो आपको ये वाला प्रॉफिट देने लगेगा, ये वाला लॉस देगा, और अगर आपके डायरेक्शन में जाएगा तो ये वाला प्रॉफिट देगा, ये वाला लॉस देगा, और ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी, देखो एक मैंने एकदम सिंपल सा स्ट्रेटजी बताया जो कि बहुत आराम से आप यूज कर सकते हो। आप जो ट्रेड लिया गया था, वैसे तो मैंने फिर भी स्ट्रेटजी यूज करके लिया था, तो अगर आप उसको लेना चाहते हो ले सकते हो, सीख सकते हो, इसी के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लिया था, पर मैं आपको सिंपल सा ट्रेंड लाइन वाले का ही कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, जिससे आप ट्रेंड लाइन का भी एक रसी बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बार बार दिख रहा था 1-2 टच हुआ, 3 टच हुआ, तो बार बार टच हो रहा है मार्केट में, तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट में दम आएगा। देखो मार्केट में जब आधा 1 घंटा टाइम बचा है तो 1 घंटा टाइम बचा है तब आओ। अभी हमारा देखो टाइमिंग क्या है, देखो यहाँ पे ऑर्डर्स में जाके मुझे टाइमिंग पता चल जाएगा कि
मेरा ऑर्डर कितनी बजे लगा है। यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे तो 2:28 पे ऑर्डर लगा है, 2:30 बजे के आसपास मैंने ट्रेड किया। जैसे मैंने आपको बोला ना, लास्ट के 1 आवर में आना है, ठीक है, लास्ट के 1 आवर में आना है, बाकी दिन पूरे दिन मार्केट में चलेगा। लास्ट के 1 आवर में आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करना है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डिसाइड देख लो कि क्या हो सकता है मार्केट में आने वाले 1 घंटे में, ठीक है। बस आपको तुम पास का काम करना है, ज़्यादा दूर भी नहीं करना है, बस मार्केट 50-100 पॉइंट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा या नीचे, ज़्यादा बड़ा भी आपको टारगेट नहीं चाहिए, ठीक है। हमें बहुत बड़ा टारगेट नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, बहुत ज़्यादा 100, 200, 300 पॉइंट नीचे, 50, 100, 70, 80 पॉइंट मिल गया बहुत है, या ऊपर चला जाए या तो नीचे जाए, कहीं ना कहीं तो मार्केट जाएगा, ये पक्की बात है। आप भी एग्री करते होगे कि मार्केट लास्ट में 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच 50 पॉइंट या ऊपर कहीं ना जाएगा या 50 पॉइंट नीचे, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना, बीच में तो रुका नहीं रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम बार मोमेंटम होता ही मार्केट में, तो 50-100 पॉइंट का बैंक निफ्टी तो मोमेंटम लास्ट में कर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2:30 बजे आए हम लोगों ने, 2:30 बजे हमने क्या देखा कि भाई मार्केट बार बार इस लेवल को टेस्ट करके जा रहा है। तो जब जब मार्केट इस लेवल को टेस्ट किया, इसी के आसपास मैंने ट्रेड बना लिया था, आसपास मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे आ गए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट कर लेते 2:34, ठीक है, 2:34 यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लिया, 2:34 पे मार्केट गया था। हम लोग क्या करेंगे, एक इन द मनी, ठीक है, देखो ATM, देखो ये वाला भी चल रहा है, 43,900 के आसपास मार्केट है, एक इसके थोड़ा इन द मनी जाओ, एक स्ट्राइक रेस मार, ठीक है। ATM का मैंने इन द मनी किया है 44,000 का, पुट ऑप्शन सेल किया, क्यों पुट सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट हमें लगता है भाई ऊपर जाएगा, और पुट बाई कब करते हैं जब हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो और यहाँ पे इसका एक और स्ट्राइक है, हमारे कहता प्रॉफिट होगा 1443 रुपये का। अब देखो अब लॉस कितना है, अनडिफाइंड मतलब अनलिमिटेड लॉस है, हम लोग क्या करेंगे इसको बाई कर, देखो अब देखो अपना लॉस कितना हो गया, मात्र 340 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। अपना लॉस हो गया कितना होगा, सिर्फ 340 का, प्रॉफिट कितना होगा 1150 रुपये का आसपास, समझ गए। बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छा पैसा बना देगा। या तो ATM, देखो देखो यहाँ बहुत सिंपल स्ट्राइक प्राइस चूज करना, जब जब भी आप डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो भाई ये डायरेक्शन ऐसा 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 है, तो आप क्या करो, या तो इन ATM वाला ले लो, ATM अगर एट द मनी ले रहे हो तो उसके एक ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस बाई कर लो जो सेल कर रहे हो, जैसे हम 43,900 का सेल किया था मैंने और 43,800 का बाई किया था, ठीक है, ये वाला कर सकते हो। इसमें क्या होगा, थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, जैसे आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो क्या करोगे, ATM ज़्यादा इन द मनी में भी ना जाओ, एट द मनी वाले के बाद वाला ही कर दो, जैसे एट द मनी 43,900 उस समय था, तो 43,900 या 44,000 मैंने सेल कर दिया मान लो, एक स्ट्राइक प्राइस अंदर सिर्फ इन द मनी सेल किया और एट द मनी को बाई कर लिया, ठीक है, एट द मनी को बाई कर लिया। ऐसे क्या हो गया कि भाई देखो रिस्क कम हो गया, एकदम कम, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 43,900 का अगर मैं सेल करूंगा और ये बाई करूंगा तो इसमें क्या होगा भाई, रिस्क अपना थोड़ा सा बढ़ जाएगा पर प्रॉफिट अपना थोड़ा सा घट जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्यों, क्योंकि ये OTM का हो गया प्रीमियम, तो इसमें प्रीमियम कम हो गया इस वजह से, ठीक है, इस वजह से, बाकी अपने को प्रॉफिट इसमें होगा। देखो अब हमारा टाइमिंग हो गया, यहाँ पे 2:34 पे किया, अब हमारा टारगेट कब आएगा, टारगेट अपना है ब्रेक इवन पॉइंट ये है 43,922 का, और अपना प्रॉफिट कितना होगा, देखो बहुत सिंपल सा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपने सेल किया है और जो जो भी प्रीमियम ने बाई किया उस दोनों का माइनस करके इनटू योर क्वांटिटी, बहुत सिंपल सा है, वो क्लियर करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 96.3 रुपीज पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेल कर रहा हूँ, तो सेलिंग वाले को पहले रखो, ठीक है, और माइनस कर दो किस में से, बाइंग में, क्योंकि बाइंग वाला जो है वो जीरो हो जाता है, लॉस होगा। ये हो गया 77 रुपीज़ का इन टू योर क्वान्टिटी, 15 क्वान्टिटी अपनी है, तो अपने को 1167 रुपये का प्रॉफिट होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1167 रुपये, और मैक्स लॉस कितना होगा अपने को 340 रुपये का लॉस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, रिस्क रिवार्ड भी रेशियो देख लो, 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है यहाँ पे, क्योंकि हमारा 340 का लॉस हो रहा है, 1169 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नेट क्रेडिट हमने कितना होगा, 1169 रुपये का क्रेडिट होगा। तो चलो अब यहाँ पे मैं टाइमिंग बढ़ाता हूँ कि हमें देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है, 15 मिनट बाद देखते हैं कितना होगा, 45 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, 114 रुपये का प्रॉफिट, 407 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, बढ़ाते जाओ टाइम, ठीक है, 600 रुपये, 611 रुपये का प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट हुआ 611 रुपये का हुआ, ठीक है। और इस वजह से हमें 1159 जो ये मैक्स प्रॉफिट देखा रहे नहीं हुआ, बिकॉज मार्केट जो है 44,000 के नीचे क्लोज कर गया, ठीक है, 972 क्लोज कर गया, मतलब 28 पॉइंट्स रह गया। जैसे मैंने बोला लास्ट में हमें को 70-80 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए होगा अगर हमें मैक्स प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं होगा आपको लॉस हो,
ठीक है, लॉस होने के बहुत कम चांसेस है, देख रहे हो ना, लॉस होगा तो सिर्फ 340 रुपये का, प्रॉफिट हो रहा है 1169 रुपये का। आप इस बार दिमाग लगा के देखना कि आपको ऑप्शन बाइंग में कभी ऐसा प्रोबेबिलिटी मिलेगा, कभी जीवन में नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार आप जाके देखना और आप इसको फॉलो करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर कहीं मार्केट 44,000 के ऊपर क्लोज कर देता है, 44,000 तक भी चला जाता तो अपने को यहाँ पे 1150 का प्रॉफिट हो जाता है, एक भी रुपये का लॉस ना होता यहाँ पे, ठीक है। 1150 का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिलता, वैसे भी आप देख सकते हो तो 894 रुपये का नेट प्रॉफिट हमें मिला ही है, और ये 283 रुपये का लॉस ये इस वजह से मिल रहा है क्योंकि हम लोग हेज करे हुए हैं पोजीशन को, ठीक है। इस वजह से हमें 611 का प्रॉफिट हुआ, ऑलरेडी हमें 894 रुपये का प्रॉफिट ये दिया है। हमारा नेट प्रॉफिट कितना होता है गाइस, ये करना 93, 96 माइनस 19 इंटू 15, वो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा जो आपको निकल, क्योंकि ये हेजिंग भी गया ना हमने, तो आप मेरे को 900 रुपये के आसपास का प्रॉफिट ये हुआ है। अगर 44,000 पे क्लोज कर देते तो अपने 1150 से पूरा पूरा हो जाता। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, आप इसको यूज़ करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, और अगर आपको अच्छे से और इन डिटेल सीखना है तो पेटीएम मनी में लिंक से अकाउंट बनाइए और स्क्रीनशॉट शेयर करिए दिए गए नंबर पे, सब कुछ फ्री है। बहुत सारे लोग पैसा ले रहे हैं हर चीज़, हम लोग कुछ नहीं मांग रहे, और ये प्लान पूरा मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया, इस प्लान को फॉलो करिएगा। प्रीमियम ग्रुप पर लिंक डाल दिया जाएगा ये प्लान का, तो जो लोग भी प्रीमियम ग्रुप में है इसको फॉलो करना स्टार्ट करो भाई, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। डेली काम नहीं करना है, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा आपका, और चाहो ना डेली ना करो, सिर्फ एक्सपायरी एक्सपायरी करो, 1.5% रिटर्न बनना पड़ेगा। तभी आप 20,000 से मतलब 68 लाख तो नहीं, 10 लाख, 5 लाख कुछ तो बढ़िया बना सकते हो भाई, ठीक है। उससे बेस्ट है 10, ठीक है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। और इसको फॉलो करिए क्योंकि इसमें लिमिटेड रिस्क है, और बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, लिमिटेड एकदम रिस्क है और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ये बेस्ट है, अभी तक ऐसा कोई नहीं बताया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए क्योंकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाने के लिए। अकाउंट ज़रूर बनाइएगा, स्पोर्ट सपोर्टर्स, ठीक है, फ्री में सब कुछ बताते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाएंगे तो आप ही का बेनिफिट होगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।